तो गाइस कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे हो गए। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक से रिलेटेड वीडियो। तो हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको दिखा दें कुछ क्लिप कि आज मंदिर को तोड़े, मस्जिद को तोड़ सकते हो, मंदिर को क्यों नहीं तोड़ा भाई? तो भाई जब मस्जिद को तोड़े हो तो मंदिर को भी आगे तोड़ना चाहिए आपको। इंसार भाई जो थे वो एकदम निर्दोष है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है यहाँ पे। भाई क्या बोलूंगा यहाँ, वो बोल के भी कोई फायदा नहीं है। मीडिया लोग कोई बोल के भी फायदा नहीं है मेरा भाई, नहीं फायदा है। हमें बोल के कोई फायदा नहीं है कुछ भी। ये मंदिर मस्जिद तोड़ सकते हो आप, है ना? मंदिर को तोड़े, मस्जिद को तोड़ सकते हो, मंदिर को क्यों नहीं तोड़ा भाई? वो भी तो इनके लिए बाहर निकले हुई है, उसको नहीं तोड़ सकते आप लोग? चार कदम। तो आपने ये वीडियो भी देखा और इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि आखिर कैसा पूरा विवाद ये फैलाने की कोशिश की जा रही थी और अभी भी की जा रही है। तो इससे आपको जाहिर हो गया होगा कि कुछ तत्व ये सब भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हम आपको सच्चाई से आगाह करते हैं। और हमारी नई यूपी में बाबा की सरकार है और बिल्डोजर बाबा कहाँ कहाँ पर बिल्डोजर चल रहा है, इसी को हम बात करने वाले हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं क्या बाबा ने बिल्डोजर चलाना शुरू कर दिया है या नहीं, या क्या तत्व भड़काने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं दिल्ली के कुछ इलाकों में ऐसा तत्व भड़काया जा रहा है। तो आइए हम आपको बिल्डोजर बाबा के बिल्डोजर दिखाते हैं क्या कहाँ चल चुका है। तोड़ सकते हो मंदिर को, क्यों नहीं तोड़ा भाई? वो भी तो इनके लिए बाहर निकले हुई है, उसको नहीं तोड़ सकते आप लोग? चार कदम पे है? ये कुछ मस्जिद से ज्यादा दूर है, कोने पे देखो। भाई आप लोग कोई भी मीडिया हो, लेकिन हम लोग की कोई सुनवाई नहीं होती। मुसलमान पे जितनी दबाव डाला जाता है ना, सिर्फ मुसलमान पे ही दबाव डाला जाता है और किसी पे भी नहीं डाला जाता। भाई जब देख रहे, जब तोड़े आपने, जब आपको कानून इतनी पढ़े लिखे हो आप लोग, इतने हर कुछ देखे हो, तो भाई जब मस्जिद को तोड़े हो तो मंदिर को भी आगे तोड़ना चाहिए आपको। जब दोनों को देखो ना, दोनों एक ही जितना बाहर निकला हुआ है। ये तो नहीं है कि भाई ये ज्यादा बाहर निकला, वो कम निकला हुआ है, दोनों एक ही जितना बाहर निकला हुआ है। तो दोनों को तोड़ो आप लोगों के पास पहले से नोटिस था? कोई नोटिस नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया है। जब नोटिस आता था इंसान पहले से पूरा सावधान करता। ये अपने नुकसान इतने, जो गरीब लोगों ने नुकसान किया, ये किस लिए नुकसान किया? अपने फायदे के लिए। रमजान का महीना चल रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखो रमजान का महीना चल रहा है, एक तो लोगों को तकलीफ भी हो रहा है काफी। एक तो रमजान का महीना चल रहा है, ऊपर रोजे रख के ये सब हरकत देखने के बाद, और एक तो एक मुसलमान के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई हुआ जा रहा है, इसके आगे क्या कहोगे? हम लोग सुबह 4 बजे, लेकिन हम लोग खुदा के लिए रखते हैं, ठीक है? उसके बाद इंसान को ये सब करने के बाद में भी इंसान लड़ने के लिए खड़ा होगा, तलवार निकालेगा उस वक्त में। कि आपको पता नहीं था कल रात ये नोटिस आ चुका था कि यहाँ पे कोई नोटिस नहीं मिला है, ना किसी को कुछ मिला है। मिला होता तो हम लोग पहले ही अपना हिफाजत करते हैं। अपना लोग भाई, ये जो गरीब आदमी का ये लोहा निकाला गया है, तोड़ा गया है, ये लोग अपने हिफाजत पहले ही कर लेते हैं कि अपना निकाल लेते हैं सामान को, जो उनके सामान नुकसान हुए वो सब निकाल लेते हैं, लेकिन वो सब नहीं निकाला गया। और हम लोग आप लोग को बताते हैं, आप लोग बाहर वीडियो ये करते हो, एक में दो लगा के मीडिया वाला बताया जाता है। ये कई बार को दिखाऊं कि यहाँ पे हुआ कुछ और, बताया कुछ और गया है। जैसा कि आपने वीडियो देखा, वीडियो में क्या दिखाया गया और क्या नहीं दिखाया गया ये आप अच्छी तरीके से समझते हैं। तो आपको कैसा महसूस हुआ ये वीडियो देखकर, जो कि बहुत ही अफसोसनाक खबर है और ये कुछ तत्व फैला रहे हैं। तो हम किसी को मद्देनजर रखते हुए आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। कुछ वीडियो और दिखाते हैं। आज बन गए कि संसद में सर कलम करके किसी के कदमों पर रखते हैं, जो ऐसे लोग हैं जो सर कलम करने की बात करते हैं, और कि इनके मंत्री जो हैं, उनके विधायक जो हैं, उनके सांसद जो हैं, वो खड़े होकर मंचों पर शोक सभा के नाम पर शोक सभा की बात करते हैं। उसमें संवेदना नजर नहीं आती, बात नजर आती है बंदूकों की, बात नजर आती है गोलियों की, बात नजर आती है, बात कही जाती है लाठियों की, बात कही जाती है रेखाएं खींचने की। मैं उस शहर में पैदा हुआ हूं और आप मुझे 1 मिनट दे रहे हैं, जिस शहर में मैंने मुसलमान को मुल्ला को राम राम कहते हुए सुना है, और हिंदू को जब गमछा बांध के जमुना के किनारे से निकल रहा होता है तो कहता है मौलाना साहब सलाम वालेकुम। मैं उस हसकस लतका आदमी हूं, मैंने वो ऊंचाइयां पे चढ़ाई पे चढ़ते हुए उस घर में रहा हूं, कोयला वाली बस्ती में। तो आपने जैसे ही ये वीडियो देखा तो इस आखिर सच्चाई क्या है, कैसे हिंदू और मुसलमानों के बीच में विवाद फैलाया जा रहा है? तो इसी को विवादित से लेकर हम आपसे निवेदन करते हैं, कृपया कुछ ऐसे तत्व के जो के भड़काने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच में, एक विवाद और एक दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि प्लीज कोई भी ऐसा
काम ना करें जिससे विवाद और या दंगा भड़कने की आवश्यकता हो सकती है।